Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. Hello everyone. आज की वीडियो में हम कुछ और एग्जांपल्स कंसीडर करने वाले हैं फॉर द फ्री बॉडी डायग्राम. इस वीडियो में पिछले वीडियो के कंपैरिजन में थोड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे. सो लेट अस बिगिन. पिछले पार्ट में हमने थ्री केसेस पढ़े थे. सो आज हम फोर्थ एग्जाम्पल या फोर्थ केस कंसीडर करने वाले हैं. इसमें एक मास है जो एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर स्लाइड कर रहा है और इसके ऊपर एक फोर्स भी लगाया जा रहा है विच इज एक्टिंग अपवर्ड्स टुवर्ड्स द इंक्लाइंड प्लेन. ठीक है, जैसे कि हम बताया. लेकिन इस मास का ओवरऑल रिजल्टेंट एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन ही है. सो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे क्योंकि यह एक ही मास है तो हमें उसी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है. इसमें जो भी फोर्सेस लगते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, फ्री बॉडी डायग्राम में सारे फोर्सेस को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर लेते हैं डायग्रामेटिकल फॉर्म में. तो वेट लगेगा, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है. फिर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जो कि कॉन्टैक्ट सर्फेसिस के परपेंडिकुलर लगता है, इसलिए मैंने ये ड्रॉ कर दिया. अभी अगर ये इंक्लिनेशन का एंगल थीटा है तो हमें पता है कि ये एंगल भी थीटा होगा और एम जी कॉस थीटा कंपोनेंट रहेगा और कॉस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा एम जी साइन थीटा. तो इस तरह से हमने इस ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन के ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम यानी सारे फोर्सेस यहां स्पेसिफाई कर दिए. बहुत सिंपल है. अब इनकी इक्वेशंस हम बना सकते हैं. पहले वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो है एन और एम जी कॉस थीटा. क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, इसलिए दोनों अपोजिट फोर्सेस इक्वल होने चाहिए. यानी एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा हम लिख सकते हैं. लेकिन सरफेस के अलॉन्ग ओवरऑल एक्सेलरेशन हो रहा है विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ एम जी साइन थीटा. ठीक है, और फोर्स लग रहा है अपोजिट. तो एफ की डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है. ठीक है, लेकिन एम जी साइन थीटा की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं. तो इसकी जब हम इक्वेशन बनाई जाएंगे तो वो बनेगी एम जी साइन थीटा माइनस, अगर ये कोई अप्लाइड फोर्स एफ है तो माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि ओवरऑल एक्सेलरेशन एम ए की डायरेक्शन में हो रहा है. सो ये इस पर्टिकुलर केस का फ्री बॉडी डायग्राम और उसका हमने सॉल्यूशन किया है. सेकेंड सिचुएशन कंसीडर करते हैं. इसमें मासेस इन कॉन्टैक्ट रखे हुए हैं, यानी दो मासेस एम वन और एम टू एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है. आपको ये समझना पड़ेगा कि जब दो मासेस आपस में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होते हैं, यानी कॉन्टैक्ट सरफेस बन रही है अभी. तो जैसे कोई भी दो कॉन्टैक्ट सरफेस में नॉर्मल रिएक्शन लगता है, वैसे इन कॉन्टैक्ट सरफेस में भी नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा. उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं. तो दोनों ही कॉन्टैक्ट सरफेस, दोनों ही मासेस दूसरे मास पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करेंगे, तो उसको भी हमको फ्री बॉडी डायग्राम में कंसीडर करना पड़ेगा. अब वो नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा वो हम देखते हैं. यहाँ पे होगा ये कि क्योंकि जो दोनों के बीच की कॉन्टैक्ट सरफेस है, इस सरफेस में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. M2 M1 पे फोर्स लगाएगा और M1 M2 पे, और दोनों नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इक्वल होंगे. तो जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जाएंगे, अगर पहले M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो ये M1 है. M1 पे एक फोर्स लग रहा है F और एक लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ M2. ठीक है, तो M2 का वो नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन इसको इसलिए बोल रहा है क्योंकि कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में लग रहा है, इसलिए फोर्स को हमने नॉर्मल रिएक्शन नाम दिया है. कई जगह आपको ये स्मॉल F के नाम से भी मिल जाएगा. ठीक है, सो यहां हमने सरफेसेस को फ्रिक्शनलेस माना है, इसमें फ्रिक्शन तो यहां कंसिडर कर भी नहीं रहे. और नॉर्मल रिएक्शन का मतलब है कि क्योंकि कॉन्टैक्ट सर्फेस, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन का मीनिंग या डेफिनेशन ही होती है कॉन्टैक्ट सर्फेसेस के बीच में लगने वाला फोर्स, तो इसलिए ये लग रहा है. और इसका एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसको हम कंसीडर करेंगे. इसी तरह से अगर M2 का डायग्राम बनाने जाएंगे तो M2 पे डायरेक्ट एक ही फोर्स लग रहा है और वो है
नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ m1 की तरफ से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ठीक है, और दोनों का ही एक्सेलरेशन a है, तो दो डायग्राम बन गए। ये बन गया m1 का फ्री वर्ड डायग्राम। इसमें कौन कौन से फोर्स है, f है, नॉर्मल रिएक्शन है, बस दो फोर्स है और एक्सेलरेशन बताया हुआ। इसमें केवल एक ही फोर्स है n, ठीक है। तो जब हम इक्वेशन बनाने जाएंगे, इसके लिए इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इसके लिए इक्वेशन बनेगी f माइनस n इज इक्वल टू m1a, क्योंकि मास m1 है इसका और एक्सेलरेशन a है और एक्सेलरेशन फोर्स की रिएक्शन है, इसलिए f माइनस n इज इक्वल टू m1a, ठीक है। इसके लिए बनेगा एक ही फोर्स है n और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी हुई है, तो n इज इक्वल टू m2a। जब n की ये वैल्यू यहां पुट करते हैं तो f माइनस m2a इज इक्वल टू m1a, इससे f मिल जाएगा हमें m1 प्लस m2 इंटू a, और ये a की वैल्यू आप निकाल सकते हैं f अपॉन m1 प्लस m2। तो a कितना आता है, f अपॉन m1 प्लस m2। अब ये a हम यहां पुट कर दें तो n आ जाएगा, n m2 f अपॉन m1 प्लस m2। सो इन दिस वे हमने पूरा बॉडीज, टू बॉडीज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के लिए हमने नॉर्मल रिएक्शन जो दोनों कॉन्टेक्ट सर्फेस के बीच आ गया और एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया। सो दिस इज द सेकेंड कंडीशन और सेकेंड केस। अभी आते हैं थर्ड सिचुएशन पे। अभी थर्ड सिचुएशन में कॉन्टेक्ट सर्फेस नहीं है, ओके, कनेक्टेड मोशन हो रहा है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स, दो मासेस को हमने स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। तो जब भी आप स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो स्ट्रिंग में टेंशन जनरेट होता है। ये मैंने टेंशन इन अ स्ट्रिंग वाला एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो यहां भी वही होगा, जब दो मासेस को हम कनेक्ट करेंगे स्ट्रिंग से और फिर एक फोर्स लगाएंगे तो इनके बीच में टेंशन क्रिएट होगा, दोनों ही मासेस के वजह से स्ट्रिंग में टेंशन जनरेट होगा और टेंशन इक्वल होगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है। तो इक्वल टेंशन टी मैंने यहां रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अगर इनका बारी बारी से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम इन दोनों का, तो पहले m1 का बना रहे हैं। m1 में क्या हो रहा है, पहले तो m1 है, इसमें एक टेंशन लग रहा है, ऑब्वियसली मास जिधर रोप को पुल कर रहा है टेंशन हमेशा उसके अपोजिट लगता है, इसलिए m1 पे टेंशन मास के पुल के अपोजिट ही लगता है। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, टेंशन का कॉज भी एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में, आप चेक कर सकते हैं, और साथ ही इसका एक्सेलरेशन हो रहा है। m2 का अगर हम बात करें तो m2 पे एक तो फोर्स f लग रहा है और टेंशन ऑब्वियसली मास के अपोजिट, तो ये टेंशन लग रहा है और इसका भी एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में। तो ये हमने m1 और m2 के फ्री बॉडी डायग्राम्स यहां पर ड्रॉ कर दिए। बस फ्री बॉडी डायग्राम में यही होता है, आपको सारे फोर्सेस को ही रिप्रेजेंट करना होता है। अभी हम दोनों के लिए इक्वेशन बनाएंगे, पहले m1 के लिए बनाते हैं। तो देख सकते हैं एक ही फोर्स है t और एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में, तो t इज इक्वल टू m1a, हम इजिली यहां लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू m1a है। सेकेंड इसके लिए बनाएंगे तो इसमें हम देख सकते हो एफ की डायरेक्शन में ए है, तो एफ माइनस टी इज इक्वल टू m2a। अगेन टी की वैल्यू हम पुट करेंगे तो एफ इज इक्वल टू m1 प्लस m2a आ जाएगा सॉल्व करने में, और एक्सेलरेशन आ जाएगा एफ अपॉन m1 प्लस m2। सो इन दिस वे इसके लिए भी हम, सॉरी मैं यहां लिख देती हूँ, इट्स नॉट विजिबल, आई विल जस्ट राइट इट हियर, सॉल्व करके इसको सॉल्व करने पे a इज इक्वल टू एफ अपॉन m1 प्लस m2 आ जाता है, ठीक है। और अगर आपको टेंशन निकालना है तो वो आएगा m2f अपॉन m1 प्लस m, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस ऑल अबाउट द एग्जांपल, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.